होगी। तो आज का अपना टॉपिक है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम स्पीड, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो दो ग्राफ है अपने पास, देखो समझना, दो ग्राफ है अपने पास। एक है स्पीड टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। तो y एक्सिस पे आप लोगे स्पीड और x एक्सिस पे लोगे टाइम। y एक्सिस पे आप लोगे क्या, x एक्सिस पे टाइम। दूसरा ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ओके, अच्छा ये तो पता होगा कि ये ग्राफ कभी नीचे नहीं जा सकता, स्पीड टाइम ग्राफ, क्यों, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है। बट ये ग्राफ ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, समझ गया। तो ये ग्राफ जो है आपका पॉजिटिव है और ये वाला ग्राफ जो है आपका क्या है, ये निगेटिव भी जा सकता है, ठीक ना। तो अब ये समझो कि स्पीड टाइम ग्राफ, समझना, ये एक पार्टिकल की स्पीड दी है 50 किलोमीटर पर आवर, चलो ये दी है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। पार्टिकल जो चल रहा है कहां से कहां तक चल रहा है, मान लो t इक्वल टू 4 आवर से लेके, या 2 आवर्स ले लो, 2 आवर्स से लेके 4 आवर तक, समझ में आया, कितने बजे से कितने बजे तक चला, 2 बजे से लेके 4 बजे तक। पार्टिकल आपका चला है 2, मतलब चला जितना भी है, देखो वैसे तो ये चल ही रहा है, क्यों चल रहा है, ये पीछे नहीं कर सकता भाई, क्योंकि स्पीड कभी निगेटिव, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। ये देखो पार्टिकल जीरो पे स्पीड जितनी है इसकी, कुछ ना कुछ तो जीरो पे स्पीड है कि नहीं है, कुछ ना कुछ जीरो पे स्पीड है। बट हमको जीरो पे स्पीड 50 है, फिर 2 घंटे पे है 50 स्पीड है, यहां भी 50 पे स्पीड है, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन है इसका, यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ। अब मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे बताओ कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस चला, तो आप बताओगे मुझे कि सर स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला तब लगता है जब आपकी स्पीड कॉन्स्टेंट हो या एक समान, कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म, चाहे कॉन्स्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म बोलो बात बराबर है। तो कॉन्स्टेंट स्पीड के लिए फॉर्मूला लगता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। किस स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम, कितना है, कितने आवर तक चला, क्या कह रहे हो। हमने जो ऑब्जर्वेशन किया जीरो से नहीं किया ना, हमने दो से लेके कहां तक किया, चार, तो हमको तो यहां से यहां का निकालना है ना, 2 आवर्स, कितने आवर्स, 2 आवर्स, तो इनटू 2 आवर्स, आवर से आवर 50 गुणे 2, आंसर कितना 100 किलोमीटर। मतलब इसकी जो जो डिस्टेंस होगी, जो मूव करेगा वो क्या होगा, 100 किलोमीटर, समझ में आया। अब जरा इस ग्राफ को देखो, ये तो तुमने एनालिटिकल मेथड से निकाल लिया, मतलब फॉर्मूले वाली मेथड से, जो फॉर्मूला लगाते हैं उस मेथड को बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। कौन सी मेथड, एनालिटिकल। अब ग्राफिकल मेथड से देखो, अगर ध्यान से देखो तुम, तो हमारे काम का केवल यहां से यहां तक का मोशन है, अगर कोई इसको ना भी बनाए तो चलेगा, अगर इसे बनाया हुआ है, अगर ना भी बनाए तो चलेगा, मतलब मोशन यहां से यहां तक का, मतलब 2 घंटे पर स्पीड थी 50 और 4 घंटे तक स्पीड चली है 50, बताओ कितनी डिस्टेंस है। बच्चों आपको यहां पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस रेक्टेंगल के एरिया यदि निकालोगे तो रेक्टेंगल का एरिया होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू, तो यहां पर लेंथ कितनी दिख रही है इसकी, 2, भाई 2 से लेके 4 का गैप, लेंथ कितनी 2 और ब्रेथ कितनी 50, अरे 50 किलोमीटर पर आवर है ना, तो यहां से यहां तक कितना हुआ, 50 ही तो हुआ है ना, चलो एरिया निकालो इसका, 50 गुणे 2 आंसर कितना 100, मतलब ग्राफ का एरिया आपको क्या दे रहा है, डिस्टेंस, क्या दे रहा है, कौन से ग्राफ का एरिया, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे रहा है आपको, डिस्टेंस, समझ में आया। तो कॉपी में लिखिए एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव अस डिस्टेंस,
स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया विल प्रोवाइड अस डिस्टेंस, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करता है। यस सर, समझ आ गया? अच्छा चलो ठीक है, ये वाला हो गया ग्राफ। अब ये वाला ग्राफ देखो, हाँ कहां से कहां तक का निकालना है डिस्टेंस? 4 टू 8। स्पीड कितनी है? 50 हाँ, तो इसका बताओ एरिया कितना हुआ? 4 टू 8 कितना हुआ? गया 4 into 50 कितना हुआ? 200। मतलब डिस्टेंस कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। तो चेक करो आंसर कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर आया सर मेरा। तो आपको अगर कभी भी कोई ग्राफ दिया गया है और आपको यदि स्पीड टाइम ग्राफ है और आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप उसका एरिया निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एरिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास एक स्पीड टाइम ग्राफ में दे रहा हूं आपको, ये है स्पीड और ये है टाइम, ये आपके पास ग्राफ है, समझ गए ना? अब देखो यहां पर जो स्पीड टाइम ग्राफ है ये स्पीड फिक्स नहीं है, बदलते जा रही है, बढ़ रही है स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। कौन सी है? स्पीड बढ़ रही है, ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। आपको यहां से बॉडी स्टार्ट हुई है t = 0, साफ दिख रहा है बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है। कितने से स्टार्ट हुई है? रेस्ट से, क्योंकि शुरुआत में 0 सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी? 0। और ये मोशन करी है कितने दूर तक? ये मोशन करी है मान लो t = 5 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है 5th सेकंड, 5th सेकंड में इसकी जो स्पीद थी, यहां पे मैं लिख देता हूं, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि ये कितना डिस्टेंस चली होगी, आपको बताना है ये कितना डिस्टेंस चली होगी। हाँ, इनिशियल स्पीड कितनी है? फाइनल कितनी है? 50। टाइम कितना है? पांच का। टाइम कितना है? 5 का, ठीक है ना? तो अपन को बताना है कि कितना डिस्टेंस चली होगी, समझ गया ना? तो बच्चों एक हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस के लिए, s इक्वल टू, क्योंकि वन डायमेंशन लिख रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। वन डायमेंशन में मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं स्ट्रेट पाथ का ले रहा हूं। किस पाथ का ले रहा हूं? स्ट्रेट पाथ का, ठीक है ना? तो वन डायमेंशन, चलो तो अपन को बताना है कि ये कितना चले होगा, ठीक है ना? फॉर्मूला, तो सबसे पहले ए निकाल लो। क्या निकाल लो? ए। देखो दो मेथड से करा रहा हूं, ये वाला समझ आ गया? रफ कर दो इसको, ठीक है? इसको मैं रफ कर देता हूं आपको। मैं दो मेथड से करा रहा हूं, सबसे पहले एनालिटिकल मेथड। कौन सा मेथड? एनालिटिकल। तो सबसे पहले ए निकालो, a equal to change in velocity upon कितना? Time। तो change in velocity, final कितनी? 50। Initial कितनी? 0। Time कितना? 5। मतलब answer आया 10 meter per second square। समझ में आया? ये आ गया, आ गया। अब formula होता है s equal to ut plus half ad square, ठीक है ना? S equal to ut plus half ad square। U तो 0 है, 0 हो गया, हाँ है ना? बोलो 1/2। ए कितना निकला? 10। और टी का स्क्वायर, टाइम कितना है? 5 का स्क्वायर कितना? 25। 2 से कितने बार कैंसिल? 5 बार। आंसर कितना आया? हां 125। क्या मीटर? तो आंसर कितने मीटर चलिए? 125 मीटर। समझ में आया नहीं आया? हां चलिए, यू और टी है ना, तो 0 क्यों हुआ? यू कितना है? 0। स्टार्टिंग कितने से हुई है? 0। स्टार्टिंग की स्पीड क्या है? 0। तो 0 रख दिया, टी तो टाइम टाइम पास तो दिया है, तो उससे 0 से मल्टीप्लाई 0 0। आया ना? नहीं आया समझ में? तो ये आपने एनालिटिकल मेथड से निकाला, अब ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो ग्राफिकल के लिए क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। क्या दिख रहा है ये? रेक्टेंगल की ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ना, राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इनटू हाइट। अब हो गया 1/2। बच्चों बेस कितने का लिख रहा हूं? 5 का बेस है, यहां क्या रख दिया? 5। हाइट कितनी है? 50। कितने बार गया? 25 बार। 25 गुणे 5 कितना? 125 मीटर। समझ में आया? तो ज्यादा सरल कौन सा, ग्राफिकल या एनालिटिकल? ग्राफिकल, समझ गए ना? तो अगर आपको ग्राफ दिया हो रहा है तो आप ग्राफिकल मेथड से एरिया निकाल लीजिए। अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगी? डिस्टेंस। क्या मिलेगी? डिस्टेंस। नोट करिए, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस दे देगा। आया अच्छे समझ में? ये है चमत्कार इसका, ठीक है ना? स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया आपको डिस्टेंस देगा। अरे तो फिर किस में होगा? अगर पैरेललोग्राम होगा तो पैरेललोग्राम का एरिया 1/2
some of parallel side into distance between them. Parallel, sorry, वो trapezium, trapezium का area. मैंने सेम भी नहीं किया. Trapezium का area पढ़े होंगे ना एक क्लास में. हाँ तो वो तो कहाँ मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? कहाँ नहीं मिला वो इस. Question देगा ना? नहीं मिला school लोग इसे देगा. हाँ. Shape तो देगा कोई ना कोई. और अगर कोई shape नहीं दिया तो 11th class. मैं पढ़ गया नहीं. बिल्कुल. अब triangle का area भी तो maths में ही आता है ना? रेक्टेंगल का एरिया भी मैथ्स में आता है, कोई ना कोई तो शेप बनेगा. किसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का किसका एरिया वेलोसिटी
भी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अपना ग्राफ बना लीजिए। हाँ अपना ग्राफ बना लीजिए। चलो ठीक है, ये देखो ये है वेलोसिटी एक्सिस। कौन सी एक्सिस? वेलोसिटी एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस? टाइम एक्सिस। मान लो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी? जीरो। और फाइनल वेलोसिटी कितनी? वी। फाइनल वेलोसिटी वी, ठीक है ना। और ये कितने समय तक मोशन किया है? टी टाइम तक। कितने टाइम तक? तो आपको ये जो एरिया मिलेगा, ये एरिया आपको क्या देगा? ये एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर या स्केलर? तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? तीर। क्या लगा देते हैं? तीर। तीर को वेक्टर बोलते हैं। ओके, तो यहां लगा दिया। अब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फार्मूला 1 अपॉन 2, बेस कितना है? t, हाइट कितनी है? v, तो आंसर आ गया 1 अपॉन 2 v into t। समझ में आया? 1 अपॉन 2 v into t। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कौन सा? ये वाला। इससे ऊपर ये क्या करेगा? टाइम एक्सिस के साथ एरिया निकालना है। अभी तो मैंने ये सॉल्व किया, मैं तो उसकी बात ही नहीं करूं, उसको मत करो। ये देखो आप, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? जीरो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। टाइम एक्सिस के ऊपर का डिस्प्लेसमेंट आप क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर का पॉजिटिव, और टाइम एक्सिस के नीचे का नेगेटिव। समझ में आया ना? टाइम एक्सिस के नीचे का नेगेटिव। क्या हाँ, तो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है? इसकी जीरो। और इसकी कितनी है? हाँ ठीक है, अभी एक केस ये डिस्कस कर लेते हैं। बट उसके पहले एक केस ये देखो, अगर आपके पास ये ग्राफ में दे रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये ग्राफ में दे रहा हूँ, हाँ है ना? चलो ये देखो ग्राफ। हाँ बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? अगर मान लो ये भी 5 है और ये भी 5 है, टाइम है 0 से लेके 5 और 5 से लेके 10, टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो। जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। कारण ये है। और टोटल डिस्टेंस कितना? टोटल डिस्टेंस कितना निकालना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस मतलब इसको निकालना पड़ेगा और इसको निकालना पड़ेगा, और दोनों को क्या करना पड़ेगा? एड। हाँ देखो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से तो नेगेटिव है गया, मगर डिस्टेंस हम नेगेटिव भी हो तो क्या लेते हैं? पॉजिटिव। तो डिस्टेंस नेगेटिव के बाद भी क्या लेंगे? समझ में आ रहा है? डिस्टेंस नेगेटिव के बाद भी पॉजिटिव लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी गलत बोल गया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, बट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर आप डिस्टेंस काउंट करोगे तो इसका एरिया भी प्लस में और इसका एरिया भी प्लस में, बट डिस्प्लेसमेंट में ऊपर वाला एरिया प्लस में और नीचे वाला एरिया माइनस में। चलो देखते हैं इसका, इसका एरिया ट्रायंगल है 1/2, बेस कितना? 5। हाइट कितनी? 5। तो आंसर कितना आ गया? 25/2। बोलो हाँ। तो इसका एरिया आ गया 25/2, मतलब ऊपर जो डिस्टेंस इस वाले हाफ में, इस वाले हाफ में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगल है वो है 12.5। कितनी है? 12.5 मीटर। समझ में आया? अब नीचे वाले में देखो, नीचे वाला डिस्प्लेसमेंट का एरिया नेगेटिव लिया जाता है, इक्वल टू 1/2 माइनस ले लो पहले, क्योंकि नीचे का एरिया है, डिस्प्लेसमेंट देगा। हाँ 1/2, बेस कितना? 5। हाइट कितनी? 5। एक्चुअली हाइट जो थी नीचे माइनस 5 थी, बट माइनस पहले लगा दिया तो 5। ये भी कितना आ गया? -25/2, मतलब माइनस कितना? 12.5। -12.5 आ गया। तो अगर दोनों को जोड़ोगे तो +12.5 और -12.5, आंसर कितना? जीरो। तो मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। बट यदि आप डिस्टेंस की बात करोगे तो मैं बता चुका हूं, जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हुआ करती है। याद आया? डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, जैसे तुम यहां से यहां तक गए, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? +5। वापस आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -5। बट डिस्टेंस की बात करो, डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी? 5। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 5 ही होगी, मतलब दोनों प्लस लेंगे तो ये भी लोगे प्लस में और ये भी लोगे प्लस में। तो यदि इसी ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यदि आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो ऊपर वाला एरिया भी प्लस ले लो और नीचे वाला भी प्लस ले लो,
स्पीड टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते. गुड क्वेश्चन. स्पीड टाइम ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते. हाँ क्या उसको क्या करा? इससे पांच और दस के बीच का गैप कितना है? पांच. तो टाइम कितना हुआ? पांच. एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट. बोलो हाँ. 1/2 बेस पांच का और हाइट कितने की? पांच की. ये पांच की. समझ में आया? तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया निकाल लिया. क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस तरीके से अगर दोनों को जोड़ दोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या रहता है? डिस्टेंस. अगर वेलोसिटी, हाँ, क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं. क्या स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? नो, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता ही नहीं है. समझ गया ना? इसमें तो माइनस आएगा तो ग्राफ के नीचे दिख जाएगा, उसको अपन प्लस कर देंगे. समझ में आ गया ना? तो इससे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं. चलो ठीक है, अब हम ये वाले ग्राफ को सॉल्व कर लेते हैं. बोलो करें कि ना करें? ये वाले ग्राफ को सॉल्व कर लेते हैं. हमको निकालना है एरिया, हमको निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा. सिचुएशन समझो, बॉडी स्टार्ट कितने से हुई, फाइनल वेलोसिटी कितनी, ये पोजीशन है पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक की पोजीशन है. बॉडी स्टार्टिंग वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी टाइम कितना लिया, जीरो से लेके टी यानी टी. अब जीरो से लेके टू सेकंड मतलब 2 सेकंड, जीरो से लेके 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड. तो जीरो से लेके टी मतलब कितना? टी. समझ में आया? हाँ. तो आपको, आपके पास कोई बॉडी है, आपके पास कोई बॉडी है जिसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है यू, फाइनल वेलोसिटी है वी, इसका टाइम ऑफ ट्रेवल है टी, टाइम ऑफ ट्रेवल है टी. बच्चों ये वेलोसिटी कर्व है, वीटी ग्राफ है. एक्सेलरेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन. वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन मतलब एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट. ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा. वो एक्सेलरेशन सपोज कर लो ए, कितना है ए, होगा कितना? फाइनल वेलोसिटी वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टाइम ऑफ ट्रेवल कितना टी. कितना होगा? खैर हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमने एक रिलेशन पढ़ रखा है एनालिटिकल मेथड से. ऐसे क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालने का कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट. तो वैसे हमको एनालिटिकल मेथड से पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बोलो यस. ठीक है ना? अब हमको इसका एरिया निकालना है. किसका एरिया? क्योंकि एरिया निकालेंगे तभी हमको डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा. ठीक है ना? तो अपने पास ग्राफ कहां से कहां तक है बेटा? ये है एक्चुअल ग्राफ. मन में पहला प्रश्न, एरिया किसके साथ निकाला जाता है? किस एक्सिस के साथ एरिया निकाला जाता है? अभी तक किसके साथ एरिया निकाला है? टाइम एक्सिस. वाई एक्सिस के साथ एरिया इधर निकलेगा. किसके साथ एरिया निकाला जाता है? टाइम एक्सिस. चलो इसके मार्जिन बनाओ. तो एक ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, आपको यहां तक का टाइम एक्सिस का एरिया निकालना है. समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक का टाइम एक्सिस का एरिया निकालना है, वही होगा डिस्प्लेसमेंट. बोलो यस. समझ में आया? चलिए हाँ. ये हाइट कितनी? यू. ये वाली हाइट कितनी? बी. ये टाइम कितना? बेटा ये कौन सा डायग्राम तुम्हें दिख रहा है? ये तुम्हें ट्रेपेजियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ट्रेपेजियम दिख रहा है? ट्रेपेजियम में दो साइड पैरेलल होती है और दो साइड नॉन पैरेलल होती है. याद आया? दो साइड पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल. ठीक है ना? फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. यस और नो? चलो एरिया, एरिया जो होगा वो किसके इक्वल होगा? डिस्प्लेसमेंट. किसके इक्वल? हाँ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. पैरेलल साइड कौन कौन सी है? यू और वी. एक यू है और एक क्या है? इसकी लंबाई कितनी? यू. इसकी लंबाई कितनी? वी. सम ऑफ पैरेलल साइड यू प्लस वी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? टी. कितनी डिस्टेंस है? टी. ये रख दिया टी. बोले खुश? ठीक है, अच्छी बात है. चलिए बच्चों ये हो गया. हाँ इक्वल टू 1/2 यू प्लस वी इंटू टी. हाँ इसको लिख लो यू टी प्लस वी टी.
एक रेक्टेंगल ये बना लिया, एक रेक्टेंगल ये बना लिया, समझ गया ना, इसको लेकर के एक रेक्टेंगल ये बना लिया, इसको लेकर के एक रेक्टेंगल ये बना लिया, मतलब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो और सारे रेक्टेंगल का सम कर लो तो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या आ जाएगा? क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लो, बहुत टाइम लगेगा। हाँ, कौन सा? स्पीड टाइम। हाँ, डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? डिस्टेंस आएगा, स्पीड टाइम में डिस्टेंस आएगा। वेरी गुड। तो अपन के पास ये डिस्टेंस आ जाएगा इससे, क्लियर? छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना पड़ेगा, है ना? मगर आप कह रहे हो बहुत टाइम लग जाएगा, सही बात है, मगर हायर क्लास में पढ़ोगे उस टाइम को बचाने की प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। कभी विचार किया हो मन में, भारत देश का एरिया जो है 32,85,000 कुछ ऐसा गया हुआ है, समझ गया ना? कुछ जो भी है, सॉरी, है ना? तो ऐसा कुछ गया हुआ है। तो अपन का इंडिया ऐसा तो है नहीं, ये फ्लैट है, यहाँ ऐसा है, ये ऐसा है, तो अपन एरिया निकाल सके। तो उसका भी तो एरिया ऐसा है, ऊबड़ खाबड़ सा है, तो उसका एरिया कैसे निकाला गया? इसी मेथड से, इंटीग्रेशन से। कैसे निकाला गया? इंटीग्रेशन से, समझ गया ना? तो खैर, ये 11th क्लास में आएगा आपको, कैसे पढ़ना है अभी हम बात नहीं कर रहे हैं इसकी, बस क्लियर हो गया ये? तो समझ में आया ना? ये हो गया सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से हमने सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। अरे ये बात क्वेश्चन आएगा, प्रूफ सेकेंड इक्वेशन विद द ग्राफिकल मेथड। यस, तो अपन तो खुद ही करा लेंगे। बिल्कुल, यही करना पड़ेगा। ओके, नाउ यस, ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन, फर्स्ट का, फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। शीट निकाल लो, शीट में टिक करना चाहिए, मैं शीट देना बंद कर दूंगा अगर आप लोग शीट में टिक नहीं करोगे तो। शीट इतनी ज्यादा गुदी होनी चाहिए कि समझ में आए हाँ आपने इस्तेमाल किया शीट का, ठीक ना? इस शीट की एक एक वर्ड टाइप करने में इतना समय लगा है और इनमें जो भावना छिपी हुई है, जो जज्बात छिपे हुए इनके शीट के पीछे, वो तुम समझोगे नहीं, ठीक ना? मैं तुमको एक पन्ने का एप्लीकेशन लिखने को दे दूंगा, तुम थक के चूर हो जाओगे। 40 पन्ने की जब आजू बाजू शीट लिखी गई होगी तो कुछ तो उसको मोटिव के साथ लिखा होगा, उसका फायदा मिले बच्चों को। तो शीट का इस्तेमाल कीजिए, एक एक लाइन शीट की पढ़िए, है ना? इसलिए मैं शीट, मैं पढ़ने का सबसे सही तरीका बोलता हूं, जो भी पढ़ो इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम वीटी ग्राफ। जहां तक समझ में आ जाए वहां तक लाइन खींच दो, जहां तक समझ में ना आए वहां पर ऐसा ऐसा बना दो और अगले दिन आकर के पूछ लो ये सिंबल किसका है, ना समझ में आने का, समझ गया ना? और जब ये क्लियर हो जाए तो ऊपर लिख दो पी एस, प्रॉब्लम सॉल्व, मतलब आगे वो लाइन आपको कंफ्यूज ना करे कि पूछा कि नहीं पूछा। तो शीट की एक एक लाइन, किसी भी बुक को पढ़ते हो एक एक लाइन पढ़ना चाहिए, तब आपका रियल पढ़ने का मीनिंग सार्थक होगा, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट। यस, अब आपको ये सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी ए इक्वल टू, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी। अब ग्राफिकल मेथड से अपन को निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टार्टिंग क्या थी? यू। फाइनल क्या है? वी। तो चेंज इन वेलोसिटी यू टू वी हुई है, मगर चेंज वेलोसिटी जो पॉइंट है, वेलोसिटी में चेंज हुआ है पॉइंट पी से लेकर के क्यू तक का। ओके, तो चेंज कहा जाएगा क्यू टू आर, क्योंकि ये तो टिल्ट गया है, ये तो ऐसा गया ना तिरछा, तो चेंज जो कहलाएगा दैट इज क्यू टू आर, क्यू टू आर। चेंज इन टाइम पी टू आर, टाइम में चेंज, पहले टाइम कहां पर था? पी पर था ना, और चेंज कहां पर हो गया? आर तक, पी टू आर। ग्राफिकल कर रहे हो बेटा, इसलिए पी टू आर ए इक्वल टू क्यू आर। QR, QR, क्या आप QR को perpendicular खींच दिया? CQ minus CR लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। QR मतलब QC minus QR, Q से लेके C और R से लेके C, sorry, R से लेके C, CR, समझ में नहीं है? देखो, अगर आप Q से लेके C तक ले लोगे पूरा और इसमें से इतने को माइनस कर दोगे तो यही तो बचेगा, आया ना? अपॉन पी आर, पी आर मतलब सीधा सीधा है पी से लेके आर तक का टाइम, टी
V से लेके R तक का टाइम कितना है? T. T. Now, A से ले Q से लेके C पूरी हाइट कितनी है? V. और C R की हाइट कितनी है? U. अरे ये लिखा है. C R की हाइट कितनी है? U. अपॉन कितना? T. इक्वल टू कितना? A. T का मल्टीप्लाई कितना हुआ? इक्वल टू V माइनस हाँ V इक्वल टू माइनस U. यहाँ क्या क्या होगा? U प्लस A T. नोट करिए. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट लॉ बाय ग्राफिकल मेथड. नहीं आया समझ में? कहाँ पर नहीं आया? अच्छा अच्छा तो ठीक है. चलो देखो देखो क्या होता है कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैंने बता दिया एकदम स्लोप 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 बताया था पहली क्लास में. स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये ग्राफ है. तो इसका ट्रायंगल अगर तुम बनाओगे तो परपेंडिकुलर क्या निकलेगा? ये समझ में आया कि नहीं आया? भैया परपेंडिकुलर क्या निकलेगा? ये परपेंडिकुलर निकला क्यू आर. क्या निकला? क्यू आर. तो स्लोप इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर. बेस क्या निकला? पी आर. बेस क्या निकला? पी आर. तो परपेंडिकुलर क्यू आर, क्यू से लेके आर. तो क्यू से लेके आर तक देखो यहां तक टोटल, यहां तक टोटल कितना है? वी. यहां तक टोटल कितना है? यू. तो क्यू से आर कितना हुआ? वी माइनस यू. ये रख दिया वी माइनस यू. और पी से लेके आर कितने का गैप है? टी. तो यहां क्या रख दिया? तो वी माइनस यू अपॉन टी. तो टी का ए के साथ मल्टीप्लाई एटी. वी माइनस यू इक्वल टू एटी. अब क्या दिक्कत है फिर से बताओ? नहीं है ना? स्लोप, स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अभी पढ़ोगे अगले साल स्लोप मतलब टेन थीटा. अभी नहीं है टेन थीटा, अगले साल आएगा. किसने कहा? न्यूमेरिकल भी है. थोड़ा सा इजी. बहुत कम लगा आज सर. थोड़ा इजी है. थोड़ा ये ज्यादा नहीं. तुम कितने लगा? कितने लगा? आ गया समझ में? बेटे जल्दी नोट कर. कितने लगा? अगला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा. अरे यार नहीं. यस यार. यस सर. ठीक ना? तो अगला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है मेटल इन अवर सराउंडिंग. बट उसके पहले याद रहे, पहले मैं उसके टेस्ट लूंगा आपका मोशन का. yes, है ना? और शीट के सभी क्वेश्चन चेक करूंगा कि आपने किए हैं या नहीं किए. जिसने हमारी शीट पूरी सॉल्व करी होगी उसको नेक्स्ट शीट दूंगा, नहीं तो नहीं मिलेगी उसको नेक्स्ट शीट. ये वाली सभी की सब सब ऑल 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 वो तो आप कल ही कर लोगे. मुझे पता है 40 क्वेश्चन आप लोगों के पास आपका खेल है. मेरे ख्याल से आप लोग 2 घंटे बैठोगे पूरे कर डालोगे. अतुल को तो 1 घंटे भी नहीं लगेगा. क्यों अतुल? अरे वो ग्राफ ना वो वही ग्राफ है. तीन क्लास में स्कूल में मोशन खत्म हो गया होगा. 3 या 4 क्लास में जी नहीं हो गया. चलिए नेक्स्ट देखो. अगला डेरिवेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करवा चुके ना, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है. है ना? अपन इसको कर चुके हैं s इक्वल टू. हाँ लिखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ठीक है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपन प्रूफ करने वाले हैं. थर्ड इक्वेशन ऑफ
पोजीशन का नाम क्या था B इस पोजीशन का नाम क्या था परपेंडिकुलर डाटा था वो क्या था ये क्या था O और यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना था T और ये पॉइंट एक मिनट EQ है चेक करना पड़ेगा इसका नाम बताना ये था मेरे पास Q और ये क्या था C R तो ये है ओके ओके ये C है और ये R है बस ठीक है बच्चों है ये हो गया आपके पास तो देखो हाँ अब हम देख लेते हैं देख लें क्या चलो ठीक है हाँ अब देखो ये हो गया अब सबसे पहले OP O से लेकर के P ये हाइट किसके इक्वल है U के इक्वल O से लेकर के P तक की हाइट U के इक्वल है एंड S से लेकर के Q S से लेकर के Q चेक करना पड़ेगा आपको S कहाँ है भाई है सर S से लेकर के Q यस यहाँ पे सर B की साइड में S B का ओके ऊपर है नहीं ऊपर है सर हाँ ये पॉइंट है S ये पॉइंट क्या है S ठीक है ना तो O से लेकर के S तक क्या है B है ना देखो O से लेके B तक क्या है U और O से लेके S तक क्या होगा B लिखो O P equal to U ये O S है S O O P equal to U and O S equal to V O S equal to V तो O P plus O S क्या हो जाएगा U plus V देखो O P plus O S equal to U plus V ओके OP प्लस OS इक्वल टू U प्लस V अब देखो एक्सेलरेशन A एक्सेलरेशन क्या होगा QR अपॉन PR वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप ढाल मतलब ऊंचाई बटे आधार ऊंचाई है आप बेस के रिस्पेक्ट में कितने उठे हुए हो यही तो ढाल होता है तो बेस ये है परपेंडिकुलर ये QR अपॉन क्या PR QR अपॉन PR नोट करो QR अपॉन PR नाम दे दीजिए सर ड्राइवर को बिल्कुल सही है कोई नाम देने की जरूरत नहीं है एकदम सही चल रहा सब कुछ यहां तक आया समझ में ना यहां तक आया समझ में नहीं आया बस हो गया तो PR ऊपर जाएगा तो A कहां आएगा नीचे PR equal to QR upon A लिखो PR equal to QR upon A QR upon A ठीक है QR upon A हाँ PR equal to हो गया QR upon A क्या QR को V minus U लिख सकते हो ये वाली चीज क्या V minus U है कि नहीं है है ना तो लिखो V minus U upon A QR equal to V minus U upon A लिख दिया अब ध्यान से area of trapezium ये पूरा का पूरा तुमको क्या दिख रहा है trapezium area of trapezium equal to देखना area of trapezium OPQS OPQS ये यहां पे S होना चाहिए एक्चुअली यहां पे O P Q S कर लो यहाँ पे C को त्याग दो यहाँ पे S कर लो यहाँ से बैठा दो यहाँ पे S कर लो O P Q S कर लिया कोई दिक्कत है O P Q S यही तो ट्रेपेजियम था ना हम तो कहते हैं हमको नाम ना भी देता तो हम तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देते ना कोई दिक्कत नहीं हमको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बोलो 1 upon 2 बोलो यस सम ऑफ पैरेलल साइड एक साइड क्या है P एक साइड क्या है क्या है हाँ U एक साइड क्या है R V एक साइड क्या है V और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी PR कितनी डिस्टेंस PR हाँ या ना कितनी डिस्टेंस है PR आराम से 1 upon 2 T नहीं ले रहे हैं PR ले रहे हैं क्या ले रहे हैं PR T है मगर अभी हम PR के टर्म में ले रहे हैं क्यों नहीं ले रहे हैं T क्योंकि प्रूव करना है V square equal to U square plus 2S तीसरा लॉ
अपॉन प्लस वी पी आर की वैल्यू क्या निकाली पी माइनस यू अपॉन ए पक्का और कर दो पी माइनस यू अपॉन ए बेटा दो प्लस तीन और तीन प्लस तो बराबर नहीं होते क्या होते हैं होते हैं तो u प्लस v और v प्लस u बराबर होंगे कि नहीं होंगे ये हो जाएगा v प्लस u ये सारा का सारा क्या निकल रहा है एरिया एरिया किसके इक्वल होता है एरिया किसके इक्वल s मतलब डिस्प्लेसमेंट कौन सा ग्राफ है कौन सा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है हाँ s डिस्प्लेसमेंट 1 अपॉन 2 v प्लस u और यहां पर क्या v माइनस u अपॉन इसके नीचे कौन इसके नीचे कौन 2 बन जा 2 इनटू a तो 1 अपॉन कितना 2a ऊपर v प्लस u v माइनस u a प्लस b a माइनस b क्या v स्क्वायर माइनस इक्वल टू कितना 2a सबसे नीचे पल्टी मार के कहां जाएगा कितना जाएगा 2a इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अकेला v स्क्वायर अकेला इक्वल टू u स्क्वायर हां u स्क्वायर हो जाएगा किसमें हो जाएगा प्लस में प्लस क्या बचा 2a मिल गया नंबर देखो हैंड्स प्रूफ तो तीन मेथड ग्राफिकल और तीन मेथड एनालिटिकल आला पक्का एग्जाम में गारंटीड 101% चार मार्क्स का तीन में से कोई एक सेकेंड वाला 90% सेकेंड वाला हाँ बोल भाई कोई नहीं ले लो एस ले लो क्योंकि इसमें एस लेके चला हुआ है सी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे भी बट आपको नाम चेंज करना पड़ेगा अगर आप C लेते हो तो यहां पे CQ लिखना पड़ेगा देखो सम ऑफ पैरेलल साइड पहली पैरेलल साइड क्या OP दूसरी पैरेलल साइड क्या हां दूसरी पैरेलल साइड QS क्या लेना पड़ेगा QS तो देखिए यहां S लिया है तो QS लेना है हैं अगर C लोगे तो QC लेना पड़ेगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट हो गया ठीक है नेक्स्ट कल करेंगे